ईशान के पापा से क्यों मिलने पहुंची है अब सवी। सवी को लगता है कि भोसले इंस्टीट्यूट में अब अगर उसे कोई एडमिशन दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईशान के पापा हैं। ईशान के पापा के पास पहुंचने के बाद सवी ने आखिर ऐसी कौन सी डिमांड की है, क्या कहा है, जिससे ईशान के पापा मजबूर हो जाएंगे अपने बेटे ईशान को ये कहने के लिए कि तुम्हें सवी को अपने कॉलेज में एडमिशन देना ही होगा। क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि ईशान और सवी की जब मुलाकात हुई, जब सवी अपनी शादी के मंडप से भागी है, तब उसने ईशान से कहा है कि वो भोसले में एडमिशन लेकर रहेगी। लेकिन यहाँ ईशान का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो एडमिशन क्यों दे, जिस पर सवी ने चैलेंज किया कि तुम सामने से ही अब मुझे एडमिशन देते नजर आओगे। इस चैलेंज के बाद सवी गई है ईशान के पिता के पास, जो भोसले कॉलेज के वन ऑफ द ट्रस्टी हैं। वो अपनी एप्लीकेशन लेकर गई है और साथ में ये भी दिखाने गई है कि उसने अभी तक अपने कॉलेज में और एकेडमिक्स में क्या क्या अचीव किया है। उसकी अचीवमेंट देखने के बाद जो है वो भी इस बात को लेकर मजबूर है कि वाकई में सवी एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और ऐसे में उसे एडमिशन जरूर दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर अब जब सवी मिलन से मिली, यानी कि ईशान के पिता से, तब उसने साफ साफ कहा कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन चाहती हूँ। हालांकि मैं आपके बेटे ईशान से भी मिली, लेकिन ईशान में ईगो इतना है और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे ईशा टीचर के साथ क्या देखा, ऐसा लगता है कि वो कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। जब ईशान के पिता को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि वो अपनी माँ ईशा की वजह से इतने ब्राइट स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहा। तो इसके बाद अब खुद मिलिन जो है वो सवी के फेवर में आगे आएगा और ईशान को कहता नजर आएगा कि वो जो है सवी को एडमिशन दे। तो आपको क्या लगता है कि जो सवी ने कदम उठाया है वो कितना सही है, कितना गलत, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।